दोस्तों नमस्कार, मैं अमित श्रीवास्तव आज आपको ऐसे रहस्यमयी चमत्कारिक वृक्षवास्थान के दर्शन कराने वाले हैं जो स्थान फुर्सतगंज से टिकारी रोड पर 8 किलोमीटर की दूरी स्थित ग्राम सभा मंजलहा में पड़ता है। बताते हैं कि उस वृक्ष में एक शिवलिंग की मूर्ति समा गई है। उसी की पड़ताल के लिए आज हम यहाँ मंजलहा स्थित ग्राम सभा में आए हैं। हम अपने कैमरामैन से चाहते हैं कि वो चबूतरे की ओर ले चलें और उस शिवलिंग मूर्ति की पड़ताल एक बार करते हैं। हम अपने कैमरामैन से चाहते हैं कि वो यहाँ की लटकी हुई जटाओं को बटकी दिखाएं, जो काफ़ी पुरानी है। लगता है कि ये वृक्ष लगभग 500 वर्ष पुराना है। इस चबूतरे को देखिए, पहले ये बताते हैं कि कोई कच्चा चबूतरा था जिसको यहाँ के किसी श्रद्धालु ने आज मान्यता के अनुसार उसकी मन्नतें पूरा हुई तब इसका निर्माण करवाया। दोस्तों आप हमारे वीडियो में लगातार बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। हम वादा करते हैं कि आपको यहाँ की सच्चाई से रूबरू कराते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ श्रद्धालु हमारे, हम उनसे इस वृक्ष के बारे में, मूर्ति के बारे में जानकारी चाहते हैं। मूर्ति के बारे में जानकारी देंगे। सर एक मिनट बताइए, क्या नाम आपका है? हमारा नाम मुझे ब्रजेश कुमार है और मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। और ये स्थान है, करीब पहले यहाँ पे बहुत सारा बीहड़ जंगल था, लोग आने जाने से भी डरता है। लेकिन एक दिन किसी भक्त के मन में आया कि ना हो इस स्थान को बना दिया जाए, जिससे यहाँ के लोग पूजा पाठ वैसे भी करने आते हैं, बीहड़ है, साफ सुथरा हो जाएगा। तो उन्होंने चबूतरा बना दिया। इस बट के पेड़ का जो है, ये इतना पुराना पेड़ है, खैर 100 साल से तो लमसम कहानियों में जाना जा रहा है। सर वो देखने में लगता है कि ये बट वृक्ष काफ़ी पुराना है, लेकिन यहाँ की कुछ रहस्यमयी चमत्कारिक बातों से हम आपसे जानकारी चाहते हैं। बताते हैं कि यहाँ पर कोई मूर्ति कच्चे चबूतरे पर रखी थी जो आज इस वट वृक्ष के अंदर समा गई है, क्या ये सत्य है? हाँ, ये सत्य बात है। ये मूर्ति जो है टिकारी राजा के कोर्ट में मिली थी, हमारे कुछ ग्रामीणों ने, वहाँ काम चल रहा था तो वहाँ से ले आए उठाकर और इस स्थान पे रख दिया था, जिससे कि वो धीरे धीरे, पेड़ जब छोटा था आज इतना विशाल पेड़ है, इन्हीं की जड़ों में वो पूरी की पूरी मूर्ति विलुप्त हो चुकी है। वो जगह हम आपको दिखला देते हैं कहाँ से मूर्ति विलुप्त है। जी, अपने कैमरामैन से चाहते हैं कि वो इस जगह के बारे में दिखाएं। ये अपने कैमरामैन से चाहते हैं, ये वो स्थान बिल्कुल वही है, नज़दीक से दिखाएं, जिसके अंदर शिव की मूर्ति समा गई थी। इसी के कारण शिवलिंगी के बताते हैं कि इस स्थान का नाम बटेश्वर नाथ के नाम से पड़ा, जो इस मंजलहा में एक चर्चित स्थान बना हुआ है। टंगे ये घंटे श्रद्धालुओं की देन है, जिनकी वजह से मान्यता पूरा होने पर लोग अपनी मान्यता के अनुसार यहाँ मुँह मांगा चढ़ावा चढ़ाते हैं। हम यहाँ आए ब्रजेश भाई से जानकारी चाहते हैं कि वो थोड़ा बताएं। सर बताएं यहाँ के बारे में। और यहाँ के बारे में बहुत बड़ी महत्ता है, जिसकी जो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं वो अपने चढ़ावा यहाँ चढ़ा जाते हैं। हमारे यहाँ गांव के ही हैं एक लोग, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया है जी। उनकी मन्नतें पूरी हुई तो उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवा दिया है जी। और निर्माण करवाते वक्त थोड़ा बहुत सहयोग हम भी कर दिए हैं, बाकी हमारे सब ग्रामीणों का सहयोग इस मंदिर में जुटा है। ये हमारे भाई हैं जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया है, बाकी की जानकारी ये उनसे भी ले लीजिए। सर हम चाहते हैं, जिसके बारे में ब्रजेश जी ने बताया कि ये एक ऐसे श्रद्धालु हैं जिनकी मान्यता पूरी होने पर इन्होंने काफ़ी धन के साथ इस चबूतरे का निर्माण करवाया, आज उन्हीं सज्जन से हम इन थोड़ी जानकारी करते हैं। सर बताइए आपका क्या नाम है? अजय कुमार। अजय कुमार जी, थोड़ा आप बताएंगे कि क्या आपकी मुराद पूरी हुई, इसको कब बनवाया? इसको मैंने बनवाया 10 साल हो गए कम से कम जी। और मेरी हमने मनोकामना मानी थी जी, और ये हमारी मनोकामना पूरी भई जी, तो इसलिए इस कारण मैंने चबूतरा निर्माण किया जी। भैया बताते हैं
कि इनका इनकी मन्नतें पूरी हो गई हैं, तब इन्होंने इस चबूतरे का निर्माण करवाया। ऐसे ही बटेश्वर नाथ बाबा जी के स्थान की जो भी आता है श्रद्धालु, अपनी मन्नतें मानता है, उसकी मुरादें बहुत ही जल्द बटेश्वर बाबा पूरा करते हैं। भाइयों, अब यहाँ आए पर अनेकों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन एक ऐसे श्रद्धालु भैया दिखे हैं, हम उनसे थोड़ा जानकारी लेते हैं। सर, क्या नाम आपका है? हमारा रामकिशन। रामकिशन सर कहाँ रहते हैं? यही गांव के रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा, तो बताइए सर, और यहाँ क्या क्या पर्व लगते हैं? यहाँ पे बरगदाही अमावस के दिन मेला लगता है और बहुत विशाल भंडारा होता है जी। प्रोग्राम भी होते हैं। बताते हैं बरगदाही अमावस दिन यहाँ औरतें पूजा करने। हाँ, औरतें पूजा भी करती हैं और मूर्ति यहाँ पे बहुत शक्तिशाली है, यहाँ पे बहुत चमत्कार होते हैं, बहुत ऐसे वो दिखाए गए हैं कि बहुत ऐसा चमत्कार होता है, जिसकी श्रद्धा पूरी होती है वो अपना मन मानता है, चढ़ाता है, चढ़ावा चढ़ाता है। चलो भैया, बताते हैं कि बरगदाही की अमावस के दिन यहाँ पर काफ़ी मात्रा में औरतें इकट्ठा होती हैं और इस बट की पूजा करती हैं, और यहाँ पर उसी दिन एक मेला लगता है। वो मेले में काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु एवं दुकानदार आते हैं और भक्ति भी करते हैं और थोड़ा धन भी कमाते हैं। ये बटेश्वर नाथ बाबा की कृपा से दिखे एक भैया जी हमारे आए, इनसे थोड़ा इस स्थान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सर, आप नाम बताएं अपना। अमरेश कुमार सिंह जी, तिवारी पूर्वा मछलहा डीडीसी सदस्य जी। हाँ भैया जी, बताते हैं कि यहीं के रहने वाले हैं और क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं। तो सर, हमें यहाँ दर्शन करने आते हैं रोज डेली जी। भैया डेली दर्शन करने आते हैं शंकर जी का? शंकर जी का। तो सर, और बताते हैं कि कोई मूर्ति इस बरगद के पेड़ के अंदर समाहित हो गई है? हाँ हाँ, अंदर है, पेड़ के अंदर है जी। भैया जी भी सही बताते हैं कि ये मूर्ति इस पेड़ के अंदर समाहित हो गई है। चलिए, हम भैया का थोड़ा सा टाइम लेते हुए अपनी बाड़ी को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद भैया। चलिए दोस्तों, बताते हैं कि जैसा कि यहाँ मेला लगता है तो उस मेला कमेटी के संचालक हमारे ब्रजेश भाई और ये बउआ गुरु जी हैं, इन्हीं के माध्यम से इस मेले का संचालक होता है। उम्मीद है दोस्तों कि ये आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और एक लाइक करें, जिससे हमारे हौसलों को नई उड़ान मिले। हम दोस्तों आपको ऐसे छोटे छोटे स्थानों के बड़े बड़े रहस्यमयी बातों को आप तक पहुँचाते रहें अपने चैनल के माध्यम से, क्योंकि बड़े चैनल वाले ऐसे छोटे छत्त स्थानों का नहीं देते।